मो सरकार नारा देउथबा शासक दल बीजेडी काहीकि एक निर्दिष्ट घरोई कंपनी को फायदा देवाई 6000 परिवार 30000 लोकों स्वार्थ को जलांजलि थिला। आज पुरी आयोजित विशाल चाषी विजय समावेश रे एभली प्रश्न करी राज्य सरकार को घेरी वेदांत विश्वविद्यालय विरोधी संघर्ष समिति कमिटी कही भूमि अधिग्रहण आईन 1984 और भूमि अधिग्रहण आईन 1963 को अवमानना करी गरीब और जगन्नाथ महाप्रभु 7000 एकर चाष जमी अधिग्रहण करागला। से भाई विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा केते जमी आवश्यक जहां जांच नक 15000 एकर जमी जोगाई देवा कहीं कंपानी सहित राज्य सरकार चुक्ति करते प्रश्न करमिटी गोटे गरीब राज्य भाव में परिणत कर सारे नवीन पटनायक सरकार लक्ष लक्ष जुवकटा मटी छाड़ी अन्न राज्य को चली जाऊँ खाद्य अनुसरण से गोटे शिल्प कारखाना बस कौन एग्रोबेस इंडस्ट्री भी करें धन जीवन समय जहाँ थी सब बंद कर दिगला ये लोक जोटा चाषी मान शत्रु साजिक बस नवीन पटनायक सरकार आज चाषी आत्महत्या करुच्च भारत बर्ष 10000 टाँचा जो है चाषी आय ओडार आय हो 5000 टाँचा मात्र पाखापा सब क्षेत्र में जोटा विड़मना कर रखी ओडिशा को जो ओडिशा ऐतिह्य था जो ओडिशा परंपरा था जो ओडिशा गौरव था जो ओडिशा मान सम्मान था ओडिया जाति टेक था हो आड़े गला से सब कुछ जाकर पचरें पकईदे नवीन पटनायक सरकार ओडिशा गोटे गरीब राज्य भाव में परिणत कर रखीदे तेणुकर मुझे सूचाई देवा चाहे ये नवीन पटनायक जंगल राज ओडिशा रे चलवाक हम ना चलवाक दिजा ना आज आम प्रजा ही था अनिल अग्रवाला आज से अनिल अग्रवाला प्रजा आम को मुक्त कर प्रशांत भूषण जी प्रशांत भूषण जी आम को मुक्त कर बार वर्ष काल केस को जगी ये मकदमा को से संकल्प भाव नहीं संकल्प करेदांत को हटाइबे पूरी माटी वेदांत जो कब्जा करा मालिकाना सत्व नहीं जाता महाप्रभु जो जमीन मालिक अमृत मड़ी जगन्नाथ महाप्रभु से जमीर मालिक हूँ अनिल अग्रवाला ये नवीन पटनायक सभा पाई परे ओडिया जाति को सभा पाइबानी जगन्नाथ महाप्रभु जमी को आउ किए मालिक ठीक लज्जाकर कथा आज ये सभा मोर कह बेसी ना क्या सब आप जानते शुणती सब कथा वेदांत जैसी एक कंपनी जिसने तमिलनाडु में भी पूरा गैर कानूनी रूप से हत्या का आधार बनी थी महाराष्ट्र से उन्हें स्टेरलाइट के नाम से निकाल दिया था उस कंपनी के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी जीत ओडिशा के हाईकोर्ट से लेकर द्वारका प्रसाद मिश्रा जी ने तो पहले लोकपाल से भी जीत ले ली फिर हाईकोर्ट से हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी ने जब बात रखी तो उच्च न्यायालय के खिलाफ जो वेदांत गई थी सुप्रीम कोर्ट में उनकी हार हो गई और इस हार में एक कंपनी राज कैसे चलता है और मोदी सरकार या उनके साथ जुड़ी हुई कोई भी सरकार कैसे टैक्स माफ करती है किसानों का नहीं करती है कर्जा माफ और भवानी भुवनेश्वर से यहाँ तक का रोड बनाती है और उनको प्राइवेट कंपनी होते हुए एक पब्लिक कंपनी बनाकर फिर कानून का आधार दिखाकर एक विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी देती है पर जिसके लिए आखिरी में वो 3400 एकड़ मांगते हैं पर 15000 एकड़ शुरुआत करते हैं फिर 8000 एकड़ लेते हैं जिसमें खेती ही नहीं नुआ नोई जैसी नदियां भी बर्बाद करना गांव को कुचलना ये सब होता है तो ये संविधान के खिलाफ कानून के खिलाफ बढ़ने वाला कंपनी राज की पोल खोल इस फैसले में हुई है।
कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई जब एक साथ चलती है तभी जाकर ऐसी जीत होती है, और एक जगह जीत मिलती है तो बहुत सारी ताकत बाकी लोगों को भी मिलती है। फैसला दिया है अभी अप्रैल में दिया है, आसानी से नहीं करेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, वो अहिंसा सत्याग्रह होना पड़ेगा। हम सब जन आंदोलनों के राष्ट्रीय स्तर के साथी सभी का समर्थन देंगे। प्रशांत भूषण जी जैसे अधिवक्ता, नियमगिरी के केस लड़े हमारे संजय पारिक जी जैसे अधिवक्ता, ये सब कानूनी सहाय भी दे देंगे। तो एक केस स्टडी है वेदांत यूनिवर्सिटी वाला जो ये दिखाता है कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कुछ बड़ी बड़ी कंपनी और पूंजीपतियों के हक में पूरी आम जनता को रौंदने के लिए तैयार है। इस केस में एक ऐसी कंपनी जो दो लोगों की कंपनी थी जिसका कुल शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपए था, उसको इन्होंने बोल दिया, जिसने कभी आज तक प्राइमरी स्कूल भी नहीं चलाया था, उसको 8,000 एकड़ जमीन किसानों की, आदिवासियों की, जंगल और नदियां सब देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार तैयार हो गई कि, और जिसमें जगन्नाथ की भी जमीन है। तो ये हम देख रहे हैं कि पूरे राज्य में चल रहा है कि कुछ पूंजीपतियों के लिए ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर रही हैं। जैसे केंद्र सरकार अडानी अंबानी के लिए, यहाँ पर वो वेदांत के लिए और जिंदल के लिए और मित्तल के लिए, इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और आम जनता की इनको कोई परवाह नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।